नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्या न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं बिहार की कुछ खास खबरों पर। मैं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शेर घाटी के मोरहर नदी पुल का मरम्मत BRC कंस्ट्रक्शन के द्वारा कराया जा रहा है। आपको बता दें नित्या न्यूज टीवी की खबर का हुआ असर, इस खबर को बार बार प्रमुखता से दिखाई गई। रिपोर्टर मोहम्मद सईद के द्वारा इस खबर को बार बार प्रमुखता से दिखाने पर सेफ्टी इंजीनियर ने भी कहा कि नित्या न्यूज टीवी ने इस खबर को बार बार दिखाया, इस खबर का असर हुआ और इस खबर को अधिकारियों के द्वारा देखकर एक्शन लिया गया कि पुल का मरम्मत कराया जाए, जिससे कि आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और ना ही जाम जैसी समस्या उत्पन्न होगी। आपको बता दें शेर घाटी के मोरहर नदी पुल का मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है, क्योंकि यहां पर काफ़ी जाम लगा रहता था। इसलिए नित्या न्यूज टीवी के संवाददाता मोहम्मद सईद ने इस खबर को बार बार प्रमुखता से दिखाया। गैजला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। कर रहे हैं बार बार, मतलब नित्यानंद न्यूज वाले ने इसका मतलब खुलासा किया कि यहाँ पर गड्ढा है, उसका हम लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं। रिपेयरिंग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनीष सिंह। क्या है आप? सेफ्टी इंजीनियर। सेफ्टी इंजीनियर। गाना है स्कूल के बारे में बताइए। गाना कौन सी है? देखिए दूसरा मोड़ भी है और क्या। जब कुछ हो जाएगा, कोई घटना घट जाएगी इसमें, तब शासन प्रशासन नेता वेता सब आएंगे। अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा कि हमेशा ऐसे ही होता है, जब मंदिर सब लोग रोड से गाड़ी में जाम लगा के काम करता है, हमेशा जाम लगा ही रहता है यहाँ पे। आप देखेंगे हमेशा करीब करीब, और पास में बाजार है, लोकल मार्केट है यहाँ पे, कोई ना NH वाले को फिक्र उकी रहे कि हाँ भाई जाम लगाने से। आज तो मरम्मती हो रहा है ना पुल का। हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा जाम लगता है, हमेशा लगता है, हमेशा।